जो शुभ लगन कहलाएगा। अब हम चलते हैं कि आपका दिया हुआ पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा। दिए हुए पैसे को चेक करने के लिए हम छठे भाव को रेफर करेंगे, क्योंकि छठा भाव लेन देन का भाव है, कर्जा लेना कर्जा देना मुख्य भाव है, यूज हाउस ऑफ मनी है हम सबके लिए, क्योंकि कस्टमर यहाँ पे आके खर्चा करता है। तो छठे सीएसएल को रेफर करेंगे कि आपका पैसा दिया हुआ वापस आएगा, या दिया हुआ लोन आप वापस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर आपका छठा सीएसएल 2611 जैसे नंबर दे रहा है तो आप आसानी से लोन भी रिटर्न कर पाएंगे और आप आसानी से आपका फंसा हुआ पैसा या आपका दिया हुआ पैसा किसी को वापस आ जाएगा। इसके विपरीत अगर छठा सीएसएल आपको 5812 जैसे नंबर दे रहा है तो आपको लोन मिलने में प्रॉब्लम होगी, और आपको लोन दिया भी नहीं जाएगा, किश्त भी नहीं दी जाएगी, और आपका किसी व्यक्ति को अगर आपने पैसा दे रखा है वो भी वापस नहीं आएगा। तो इसमें आपको छठे सीएसएल को रेफर करना है। ऐसे ही मैच के केस में या इलेक्शन के केस में आपको छठा सीएसएल को रेफर करना है, और अगर छठा सीएसएल 6, 10, 11 जैसे भाव दिखाएगा तो वो विनिंग कॉम्बिनेशन है इलेक्शन का। इसमें हम प्लस 1 और 2 भी जोड़ देंगे जो इनको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। और जब छठा सीएसएल आपको 5, 4, 5, 12 जैसे नंबर दिखाएगा तो आप वो मैच हारेंगे या वो कैंडिडेट उस दिन इलेक्शन हार जाएगा, और इसको हम 8 और 9 को भी इसमें कॉम्प्लीमेंट करेंगे फॉर लॉस। मैंने जिस आदमी को पैसा दिया क्या वो पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा, इसका उत्तर आपको छठा सीएसएल देगा। अगर आपका छठा सीएसएल 2, 6, 10, 11 जैसे भाव से कनेक्टेड है तो आपको पूरा पैसा मिलेगा, आपकी सर्विसेज के अवज में, आपके प्रोडक्ट के अवज में आपको पूरा पूरा पैसा मिलेगा। और यही कॉम्बिनेशन अगर आप व्यापार कर रहे हो तो एक बिजनेसमैन को भी अगर ये कॉम्बो आ रहा है, उसका छठा सीएसएल दे रहा है तो उसको पेमेंट ऑन टाइम भी मिलेगी और पूरी पेमेंट मिलेगी। बिजनेसमैन को या किसी और व्यक्ति को अगर छठा सीएसएल 2, 6, 10, 11 जैसे नंबर दे रहा है तो लोन भी बहुत इजिली मिल जाएंगे और उन लोनों की रीपेमेंट भी बहुत आसानी से कर देगा। अगर इसका कहीं पैसा फंसा भी हुआ है तो भी उसका पैसा फंसा हुआ वापस आ जाएगा। इसके बिल्कुल विपरीत अगर आपका छठा सीएसएल 5, 8, 12 जैसे नंबर दिखा रहा है तो पहली बात तो आपको लोन ही नहीं मिलेगा,
और आप उस लोन की किस्तें नहीं दे पाएंगे। इस व्यक्ति को अपनी सेवाओं के अवज में या अपने प्रोडक्ट के अवज में पूरा पैसा नहीं मिलेगा। बिजनेस के संदर्भ में इस व्यक्ति को पेमेंट टाइम पे नहीं मिलेगी, ही विल नॉट रिसीव पेमेंट, या पेमेंट इसकी मर जाएगी अगर 5-8 बार आ रहा है। अगर 5-8 बार आ रहा है तो इस व्यक्ति को लोन भी नहीं मिलेंगे अपने व्यापार के लिए, और ये लोन की किस्त भी नहीं टाइम पे दे पाएगा। अगर इस व्यक्ति को किसी को इसने पैसा दे रखा है तो इसका पैसा वापस नहीं आएगा। जिस आदमी को आपने पैसा दे रखा है वो वापस नहीं करेगा आपको पैसा। अगर आपका छठा CSL 5-8-12 जैसे नंबर दे रहा, 5-8-12 आ गया तो मैंने कहा ये बड़ी तिगड़ी है जॉब के संदर्भ में और पैसे के संदर्भ में। ये बैंकरप्सी का भी नंबर है, पेमेंट ब्लॉकेज का भी नंबर है, जॉब की टर्मिनेशन का भी नंबर है। जो ये ग्रह होगा, ये छठा CSL, ये दोनों काम नहीं कराएगा क्या? आपकी बैंकरप्सी भी करा देगा, आपका स्कैंडलेस लव अफेयर भी करा देगा, एक ही काम कराएगा। जैसे बिल क्लिंटन जी का और मोनिका जी का जो अफेयर हुआ था मार्केट में, पूरे वर्ल्ड में पब्लिक हो गया था, तो एक स्कैंडलेस लव अफेयर बन गया था वो। बट क्लिंटन साहब तो बैंकरप्ट नहीं हुए ना, तो एक ही चीज कराता है जो 5-8-12 आता है। दो चीजें नहीं होंगी कभी भी। तो 5-8-12 जैसे कहा है कि मैंने बड़ी सिगड़ी है। जब ये तीन भाई बंधु मिलते हैं तो पैसे के संदर्भ में ये सबसे बुरा कॉम्बिनेशन है, जॉब के संदर्भ में भी ये सबसे बुरा कॉम्बिनेशन है। पैसे के संदर्भ में आप अपनी वाइफ के नाम पैसा ट्रांसफर कर दीजिए तो बच जाएगा। आप अपनी वाइफ, क्योंकि आपका पैसा ना अल्टीमेटली सप्तम भाव के व्यक्ति को जाना है कहीं भी घूम के, और सप्तम भाव में सिर्फ एक ही प्राणी आता है इस दुनिया में, या तो कस्टमर आएगा या आपकी वाइफ आएगी, और कोई नहीं आएगा, वाइफ या स्पाउस आएगा। तो भैया उसके अकाउंट में कर दो, ग्रह शांत हो जाएगा, 5-8-12 यूटिलाइज हो जाएगा आपका, आपकी जॉब भी बच जाएगी। बट जॉब के संदर्भ में तो बचेगी नहीं ना, क्योंकि वाइफ तो जॉब नहीं कर रही, आप ही जॉब कर रहे हैं, तो इसलिए जॉब के संदर्भ में भी ये काफी खतरनाक कॉम्बिनेशन है, विच लीड्स टू बैंकरप्सी एंड टर्मिनेशन ऑफ जॉब। जब भी आपका छठा CSL सूर्य बनेगा तो आपको जो पैसा मिलेगा आपके पिता से मिल सकता है, गवर्नमेंट द्वारा मिल सकता है, और आपको बड़ा पैसा मिलेगा। यू विल गेट बिग और ह्यूज मनी। जब भी आपका छठा CSL बुध बन जाएगा तब आपको मल्टीपल सोर्सेस से पैसा मिलेगा, मल्टीपल बिजनेसेस से पैसा अर्जित कर पाएंगे। और बट आपका जो ये पैसा आएगा ना वो इंस्टॉलमेंट्स में आएगा, मल्टीपल टाइम्स आता रहेगा बट किस्तों में आता रहेगा। आपको पैसा आपके फादर, आपके सिस्टर के थ्रू, आपकी डॉटर के थ्रू भी मिल सकता है। अगर यही आपका छठा CSL या उसका NL जुपिटर बन जाएगा तो आपको जो अमाउंट मिलेगा बड़ा मिलेगा, अमाउंट वन गो में अमाउंट मिलेगा। आपको जो ये पैसा है या कोई लोन है, आपका गुरु दे सकता है, आपका टीचर दे सकता है, आपका मेंटोर कोई दे सकता है, और हस्बैंड भी दे सकता है, क्योंकि नाड़ी में जुपिटर इज द कारका फॉर हस्बैंड। छठा CSL अगर चंद्रमा है तो आपको पैसा जल्दी मिल जाएगा। आपको ये पैसा किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा मिल सकता है, किसी फूड इंडस्ट्री द्वारा मिल सकता है, या आपकी मदर के थ्रू भी मिल सकता है।
अगर मंगल होगा तो आपको भैया लड़ाई झगड़े कोर्ट लिटिगेशंस के बाद पैसा मिलेगा, थोड़ा विवाद करना पड़ेगा तो आपको पैसा मिलेगा, आपका भाई भी आपको पैसा दे सकता है, बट आपको लोन इजीली मिल जाएगा क्योंकि मंगल लोन का कारक है। अगर शुक्र होगा तो आपको भाई पैसा बहुत स्मूथली मिल जाएगा, आपकी वाइफ भी इंस्ट्रूमेंटल हो सकती है आपके पैसे के लिए, और शुक्र भी पैसे का कारक है तो यू विल गेट लोन्स ऑल्सो वेरी इजिली। शनि होगा तो आपको डिले होगा, आपको ब्लॉकेज होगी, और जो भी आपको एक्सपेक्टेड अमाउंट होगा वो आपको डिले के बाद मिलेगा क्योंकि शनि डिले का कारक है। अगर वो छठा सीएसएल है उसका एनएल बन जाएगा तो आपके पैसे आने में या आपको लोन मिलने में आपको प्रॉब्लम होंगी। आपको लोन्स जो हेल्प करेंगे, आपके इम्प्लॉयज हेल्प कर सकते हैं लोन लेने में, आपके चाचा कर सकते हैं, आपका ताऊ कर सकते हैं, आपके नौकर चाकर कर सकते हैं, दे कुड बी इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग यू लोन्स। अगर किसी का राहु बन जाएगा तो आपको हर प्रकार का झूठ छल कपट करना पड़ेगा, लोन लेने के लिए आपको फेक डॉक्यूमेंट्स तक लगाने पड़ेंगे, या आपका इनलॉज या आपके दादाजी विल बी इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग योर लोन्स या आपका पैसा वापस लाने के लिए। ऐसी अगर केतु बन जाएगा तो आपके पैसे मिलने में ब्लॉकेजेस आएंगी, हिंड्रेंसेस आएंगी, आपको जो लोन भी मिलेगा छोटे छोटा लोन मिलेगा, आपको बड़ा लोन नहीं मिलेगा, आपको दो तीन बैंकों से लोन लेना पड़ेगा, छोटा छोटा करके लोन मिलेगा, आपके नाना इंस्ट्रूमेंटल होंगे। तो ऐसे अगर आपका पैसा भी फंसा हुआ है तो जब केतु आ जाएगा छठा सीएसएल बन के तो आपका पैसा भी छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट में आएगा, किसी ने आपको देने 50 लाख रुपए तो वो आएगा और आपको 2 लाख रुपए दे जाएगा, जी अभी इतना ही है बाकी थोड़े दिनों के बाद दूंगा। यहाँ आपके नाना जी भी इंस्ट्रूमेंटल रहेंगे आपको पैसा दिलाने में। अगर इसके विपरीत आपका छठा सीएसएल 5, 8, 12 जैसे नंबर दे देगा, या उसका एनएल 5, 8, 12 जैसे नंबर दे देगा और सूर्य उसका एनएल बन जाता है, या सूर्य उसका सीएसएल बन जाता है जो कि अनटेनेंटेड प्लेनेट है, तो आपका भाई बड़ा पैसा फंस जाएगा, गवर्नमेंट से फंस जाएगा और आपके फादर माध्यम होंगे उस पैसे को फंसाने में, आपको किसी कीमत पे पैसा नहीं मिलेगा वापस। 5, 8, 12 आ गया। सिमिलरली अगर 6 छठा सी एस एल या उसका एनएल मरकरी बन जाएगा, आपके पैसे मल्टीपल सोर्सेज में मल्टीपल बिजनेसेस में फंस जाएंगे और आपका जो एक्सपेक्टेड अमाउंट है वो आपको वापस नहीं मिलेगा जब 5, 8, 12 आ रहा है। अगर बृहस्पति आ जाएगा छठा सी एस एल या उसका एनएल बन के और 5, 8, 12 जैसे नंबर दे रहा है तो आपका पैसा ना बड़े अमाउंट में वन गो में ब्लॉक हो जाएगा, और जो इसके कार्य होंगे हो सकते हैं आपके गुरु टीचरों द्वारा हुआ हो या आपके हस्बैंड की वजह से आपका पैसा ब्लॉक हो गया हो, और ये पैसा आपको मिलेगा नहीं जब 5, 8, 12 आ रहा है। अगर चंद्रमा आ रहा है तो आपका पैसा ना एकदम अचानक ही वेरी फास्ट होता है, विल बी ब्लॉक वेरी फास्ट, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ब्लॉक हो जाएगा या आपकी कोई फूड इंडस्ट्री में ब्लॉक हो जाएगा, हो सकता है कोई ट्रैवल में भी ब्लॉक हो जाए, और आपकी मदर कार्य बनेंगी इस ब्लॉकेज ऑफ पैसे का। मंगल आएगा तो आपका जो ये पैसा ब्लॉक होगा, अगर 5, 8, 12 दे रहा है मंगल या छठा सी एस एल मंगल बन जाए या एनएल बन जाए और 5, 8, 12 जैसे नंबर दे रहा है तो आपका पैसा जो ब्लॉक होगा वो कॉन्फ्लिक्ट्स, कोई लिटिगेशन या अपने भाई द्वारा
उसकी वजह से ब्लॉक हुआ और आपको लोन भी आसानी से नहीं मिलेंगे और दिया हुआ पैसा आपका वापस नहीं आएगा, यू आर नॉट गोइंग टू गेट योर मनी बैक। ऐसी अगर शुक्र हो जाएगा तो आपका जो पैसा है वो ब्लॉक हो जाएगा आपकी वाइफ की वजह से, या इसको कोई शुक्र कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, कहीं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा। और अगर 5, 8, 12 जैसे नंबर दे रहा है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा और आपको जो पैसा भी है वो स्मूथली नहीं मिलने वाला पैसा आपका। अगर शनि आ जाएगा देर विल बी डिले ब्लॉकेज एंड द एक्सपेक्टेड अमाउंट यू विल नॉट गेट बैक। यही राहु हो जाएगा आप झूठ फरेब भी करेंगे, 5, 8, 12 जैसे राहु जैसा प्लैनेट दे रहा है, आप फेक डॉक्यूमेंट्स भी लगाएंगे, सब कुछ लगाएंगे तो भी आपका पैसा वापस नहीं आएगा। और आपके दादा या आपके इन-लॉज कारक बनेंगे आपकी इस ब्लॉकेज ऑफ पैसे का। अगर केतु हो जाएगा तो आपको हर्डल्स आएंगी, हिंड्रेंसेस आएंगी और जो आपका पैसा है वो तो छोटी छोटी जगह जाके ब्लॉक हो जाएगा, स्मॉल स्मॉल अमाउंट्स में। और इसका जो कारक होगा वो आपके नाना बनेंगे फॉर दिस एक्सपेक्टेड अमाउंट टू बी ब्लॉक्ड। तो ऐसे आप किसी का भी छठा सीएसएल देख के आप उसको बता सकते हैं कि भाई तेरा दिया हुआ पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा। ठीक है जी, अब हम अपनी तीसरी और टॉपिक पे चलते हैं। हमारा जो तीसरा टॉपिक था चलिए आईपीएल का मैं बता देता हूँ। मैच को आप कैसे